अगर हम केयर फ्री होंगे ना तो और नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम तैयारी करेंगे तो सकता है कि अल्लाह अभी। और मैं थोड़ा सा और एक दो चीज़ें कराची के बारे में मैंने बताने, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम मेहनत अगर हम करेंगे खुद इस तूफान का मुकाबला, तो रब भी रहम करेंगे और हो सकता है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। दुआ भी मांगेंगे लेकिन उसके साथ साथ दवा की भी जरूरत है, और मैं यही चाहूंगा कि सब मिलके साथ काम करें। इसके साथ साथ कराची हमारा मेट्रोपॉलिटन है, जैसे मैंने बताया कि तूफान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। जो एक्सपेक्ट जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश, यानी 2.5 इंच के करीब बारिश आधे घंटे में होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा, हमने 2020 में भी ये फेस किया था, 2022 में भी फेस किया था उस इंटेंसिटी का, उस सिलसिले। और हवाएं तेज चलेंगी, हवाएं 70 किलोमीटर कह रहे हैं कि हो सकती हैं। उस सिलसिले में जो स्टेप्स लिए हैं, कल भी बताए थे, बिल बोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है हमने।